बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाएंगे टुकड़ी हलवा, जिसके लिए मेरे पास 1 कप घी का है, चीनी का है, नारियल है, मेवे हैं, बादाम कटे हुए हैं, इलायची है, 1 कप सूजी का है और 1 कप ही पानी का है। फ्लेम ऑन कर दिया, पैन ऊपर रखा है, इसमें ये 1 कप पानी का डालेंगे और इसी में ये 1 कप चीनी का डाल देंगे और इसकी चाश तैयार करेंगे। जब तक चाश तैयार होती है प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर किया करें, वीडियो को दरमियान में स्किप ना किया करें, एंड तक देखें। बहुत ही मज़े का टुकड़ी हलवा तैयार होगा। ये मेरे पास प्लेट है जिसमें हम सूजी का हलवा डालेंगे, टुकड़ी वाला। इसको प्लेट को इस तरह से घी से ग्रीस कर लिया, इस प्लेट में हलवे को निकालेंगे बना के, इसको अब साइड पे कर देते हैं और दूसरे पैन में अब सूजी को भूनते हैं। अब इसमें सूजी डाल दिए, एक कप सूजी का डाला है, इसको ऐसे खाली भूनेंगे पहले बगैर घी के। दूसरी साइड पे चाश पक रही है, अभी चीनी मिक्स नहीं हुई, जैसे इसकी चीनी मिक्स होगी फिर इसका चूल्हा बंद कर देंगे, इसको ज़्यादा नहीं पकाएंगे। इसमें इलायचियाँ तोड़ के डाल दूँगी चाश में, लो फ्लेम पे सूजी को भूनेंगे। सूजी भुन चुकी है, सूजी का चूल्हा बंद कर दिया। अब ये कप घी वाला चाश वाले पानी में डाल देंगे, इस पे एक चाश पक के तैयार हो गई। इस चाश को जो भुनी हुई सूजी है उसमें डाल देंगे, इस तरह से फ्लेम दोबारा ऑन कर देंगे। ये नारियल डाल देंगे, नारियल का पाउडर है, बहुत ही मज़े का। अगर इसी तरीके से आप टुकड़ी हलवा बनाएंगे सूजी का तो बहुत मज़ेदार तैयार होगा। स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करें और इसी तरीके से बनाएं। हलवा बन के तैयार हो गया, इसका चूल्हा बंद कर देते हैं और इसको आप प्लेट में निकालेंगे, फिर इसको अच्छी तरह ठंडा करके फिर इसकी टुकड़ियां करें। चूल्हे लगे आप शहर मान लो चलती।